अब मुझे बताएं बार कोड के मुताबिक आप क्या चीज समझ आई है? बारकोड यही है, उसके जो ट्रैक रिकॉर्ड उसका है, किस तरह रखना है, एक चीज जा रही है यहाँ से दूसरी कंट्री के अंदर किस किस ट्रैक पे जा रही है, उसको ट्रैक कैसे रखा जाएगा, इसकी ट्रैक इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, क्या प्रोडक्ट है, क्या इसकी है, सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने उसमें सेव की होती है इसके बारकोड के अंदर। एग्जैक्टली अब ये जो कोड है ये डेटा बैंक से, यही चीज को मैं दोबारा रख रहा हूं, ये डेटा है, ये लाइने लाइने इनके नीचे नंबर्स भी लिखे हुए, ये डेटा है, डेटा ये वो स्कैनेबल मशीन पे जाएंगे तो ये पूरी एक स्क्रीन खोल देंगे कि ब्रांड का नाम एबीसी, प्रोडक्ट नेम ये, प्रोडक्शन नंबर ये, मैन्युफैक्चरेशन नंबर ये, टैक्स नंबर ये, रजिस्ट्रेशन नंबर ये, लेकिन अमेज़न की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। यहाँ पे तो हमें पता है यार कि यहाँ पे जो इनकम टैक्स वाले, सेल्स टैक्स वाले, एफबीआर वाले, अब अमेज़न वालों को क्या पता है एफबीआर क्या चीज है, लेकिन उन्हें ये पता है कि इंटरनेशनल टैक्स डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए जीएस वन ने अमेज़न की जुबान में एक इजी लैंग्वेज बना दी, इजी अंडरस्टैंडेबल प्लेटफॉर्म बना दी जिसके ऊपर से वो उसे रन करता है। अच्छा अब ये जो जीएस वन के बारकोड्स हैं, ये मैंने एज फार एज आई रिमेम्बर तकरीबन 36,000 के करीब पैसे मैंने पे किए थे, सालाना 6,000 रुपए में पे करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे एफबीआर में भी मैं उसके एनटीएन और उसके टैक्सेशन को, टैक्सेशन जो मंथली शेड्यूल्स हैं उन्हें मैं मेंटेन कर रहा हूँ उसके ऊपर, मतलब जो मेरी प्रोडक्ट्स बन रही हैं लाइक फॉर श्योर वो एफबीआर के पास भी उनका डाटा मौजूद है जो मैं चीजें यहाँ से भेज रहा हूँ, क्योंकि उनको एनटीएन जीएस वन मेरे एनटीएन के साथ कनेक्टेड है और जब जीएस वन के बार कोड मैं उसके ऊपर लगाता हूँ तो फिर जीएस वन हमारे एफबीआर को इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सेंड करती है। डू यू गेट माई पॉइंट? मतलब हमारी जो चीज है ना वो पाकिस्तान में लोकल डिपार्टमेंट्स में भी रजिस्टर्ड हो रही है जो यहाँ के टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स है, लेकिन हमारे मुताबिक क्या है कि यार हम तो चीज अपनी बाहर भेज रहे हैं, नहीं हमारी चीज असल में जो उसका ब्रांड है वो रजिस्टर्ड यहाँ पे है, लेकिन उसको हमने इंटरनेशनली लोकल से इंटरनेशनली रजिस्टर कर लिया जीएस वन के थ्रू। असल में ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। मतलब जरूरी नहीं है कि, मतलब अब मिसाल दे रहा हूँ, कल को अमेज़न एफबीए की जगह भी वैसे तो ऐसा होना मुमकिन बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह बड़ा है, थिंग्स हैपन, थिंग्स चेंज, लेकिन फिर भी ये जो बारकोड सिस्टम है यहां से ही उठा के आप नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। हाँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इन्हीं बारकोड्स की बेस पे भी कुछ लोग कर भी रहे हैं, शॉपिफाई पे, अली एक्सप्रेस पे, आपका अलीबाबा पे, उसके अलावा शॉपिफाई पे, लेकिन चलना बारकोड ही है भाई। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन लाइव training sessions, daily live training sessions, or you can come to our office for face-to-face training sessions. Kindly call or WhatsApp 0320-0045-364.